फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण कार्य 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक चल रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए निर्वाचन कानून गोप चंबा सुनील कुमार ने बताया कि इन दिनों फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्य चला हुआ है। वहीं इस दौरान नए मतदाताओं के पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय चंबा के कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी कोई भी जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है व नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की वेबसाइट पर की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हर वर्ष मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण करवाया जाता है। जो ये पुनर्निरीक्षण है वो इस वर्ष भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 16 दिसंबर 2019 से आरंभ होकर 15 जनवरी 2020 तक प्रत्येक मतदान केंद्र स्तर पर हमारे वहाँ पर स्थापित डेजिग्नेटेड अधिकारी व बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान चंबा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले समस्त नागरिकों से ये अनुरोध किया जाता है कि इस समय अवधि के दौरान अपने अपने मतदान केंद्र पर ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर उपलब्ध मतदाता सूचियों का निःशुल्क निरीक्षण करें तथा निरीक्षण करने के उपरांत आप समुचित फॉर्म भरकर आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म साथ भरने के बाद आपके घर में अगर कोई शादी होती है, कोई किसी भी प्रकार की मृत्यु या स्थानांतरण की स्थिति होती है तो फॉर्म साथ भरकर मतदाता सूची के से नाम कटवाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन कोई किसी भी प्रकार की अशुद्धि इसमें पाई जाती है तो इसके लिए आप फॉर्म नंबर 8 भरकर उसमें शुद्धिकरण के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अतः भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं SDM चंबा के सौजन्य से आप सभी लोगों से अपील है कि इस भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, फायदा लें। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।